ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24, मैं हूं कृतिका। क्वारंटीन सेंटर के काले सच का वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश सरकार जहां कोरोना महामारी से बचाव के लिए व्यापक सुविधाओं और बेहतर क्वारंटीन सेंटरों का दावा करती है, वहीं एटा के जवाहरलाल नेहरू पीजी कॉलेज के क्वारंटीन सेंटर का हाल देखकर कोरोना खुद ही गस खाकर दम तोड़ दे। इतनी अमानवीय परिस्थितियों में यहां बेबस मजदूरों को क्वारंटीन करके रखा गया है, जहाँ जानवर भी रहना पसंद नहीं करेंगे। एटा के क्वारंटीन सेंटर की बदहाली के वीडियो वायरल हो रहे हैं, पर जिला प्रशासन के कानों में जू तक नहीं रेंग रही। ये एटा जनपद के जवाहरलाल नेहरू पीजी कॉलेज का क्वारंटीन सेंटर है, जहां बेबस मजदूर जेल जैसी सजा काटने को मजबूर हैं। यहां टॉयलेट की और परिसर की सफाई व्यवस्था ठप है। यहां क्वारंटीन किए गए लोग खुद ही झाड़ू लगाते देखे जा सकते हैं। यहां मच्छर लोगों को काटते हैं। मच्छरों को रोकने के लिए फॉगिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। बड़ी खेप में झाड़ियों में पड़ी गंदगी के ढेरों में मच्छर पैदा होते रहते हैं। यहाँ क्वारंटीन किए गए लोगों के ठहरने के लिए कोई निर्धारित स्थान नहीं बताया गया है, इसलिए जिसको जहाँ भी जी आता है अपना बिस्तर लगाकर ले लेता है। कई लोग तो अव्यवस्था के चलते टॉयलेट के बाहर ही बिस्तर लगाने को मजबूर हैं, जहाँ बुरी दुर्गंध आती है। टॉयलेट गंदगी से बच बजा रहे हैं, उनमें पानी की भी सप्लाई नहीं है, कभी कभार ही इनमें पानी आता है। कहने को तो सफाई कर्मचारी तैनात है, लेकिन वो केवल दिखावा करके चले जाते हैं और वास्तविक रूप में कोई भी सफाई नहीं होती। यहाँ के क्वारंटीन किए गए लोग नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। उनका कहना है कि इस क्वारंटीन सेंटर में सही स्वस्थ व्यक्ति भी कोरोना संक्रमण व अन्य मलेरिया जैसी भयंकर बीमारी का शिकार हो सकता है। जिले के आला अधिकारियों को यहां आने और व्यवस्थाओं का जायजा लेने की फुर्सत नहीं है। जिसको जो मन होता है वही बिस्तर लगा लेता है। हालात ये हैं कि कुछ लोगों को बरामदे में, कुछ को टॉयलेट के बाहर, तो कुछ को खुले मैदान में बिस्तर लगाए हुए देखा जा सकता है। यहां लोगों को लो क्वालिटी का खाना खाने को मजबूर होना पड़ रहा है। खाने में मात्र 4 रोटी और 1 दाल या सब्जी दी जाती है, उसकी भी गुणवत्ता खराब होती है। यहाँ का माहौल भी डरावना बना दिया गया है कि कोई भी शिकायत करने की हिम्मत भी नहीं उठाता। हालात ये हो गए हैं कि जबरा मारे और रोने न दे वाली कहावत यहाँ चरितार्थ हो रही है। अब तो मुझे डॉक्टर द्वारा कोई सुविधा ही नहीं दी गई। मुझे आज तक ये नहीं बताया कि तुम्हें किस रूम में जाना है। जिस रूम में जाओ तो वहाँ पॉजिटिव निकलते हैं, इस वजह से यहाँ बाथरूम के सामने लेटना पड़ रहा है। यहाँ महक आ रही है, यहाँ लेटना बैठना मुश्किल हो रहा है। कितनी गंदगी है चारों तरफ, कोई ध्यान ही नहीं गंदगी का, कोई सफाई करने वाला ही नहीं आ रहा है। गंदगी उसमें जाओ तो सब नालियाँ जाम पड़ी हैं, पानी नहीं आ रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। डॉक्टर, तो आपको यहाँ पर रूम नहीं मिला है। डॉक्टर ने बोला है कि आपको जहाँ जगह मिले वहाँ पर लेट हैं, इसलिए यहाँ पर लेटा हूँ। रूम दिया नहीं गया, यहाँ पर इतनी गंदगी रहती है, उसके बावजूद भी आप यहाँ बाहर लेटे हुए हैं। इतना मच्छर काट रहा है भाई साहब, कुछ नहीं मिल रहा। यहाँ पर मोर्टिन के लिए भी बोल दिया कि 2 दिन मोर्टिन दिया, उसके बाद ना बोल दिया, मोर्टिन भी नहीं मिलेगा। डिपार्टमेंट पूरा बोल देता है मोर्टिन आपको ज़्यादा चाहिए तो घर से मंगा लो, अपना पैसा दे के मंगाओ, बोल मंगाओ, ऐसा बोल देते हैं। तो यहाँ शासन द्वारा आपको कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है क्या? कोई सुविधा नहीं शासन के द्वारा, यहाँ 5 दिन हो गया पड़े पड़े, अभी कोई भरोसा ही नहीं कब तक पड़ा रहने पड़े। क्या बात है, आप? हाँ यही है, काफ़ी दिन से रुके हुए हैं। 15-17 तारीख से रुके पड़े, 25 तारीख से हो गया, कोई रिपोर्ट नहीं आ रही है, फिर भी नहीं आ रही है। आजकल आजकल जाए रहे, क्या करें, परेशान कर रहे हैं। समस्या यही है, 17 तारीख को आई थी, अभी तक रिपोर्ट नहीं आई। आपने सैंपल भी दे दिया हूँ, किसको बोला सैंपल आता है, अभी सैंपल नहीं आया। डॉक्टरों से पूछा आपने, डॉक्टरों ने क्या कहा? डॉक्टर पूछा तो डॉक्टर क्या बोला, अभी 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 रिपोर्ट नहीं आई आपकी।
यहां क्वारंटीन सेंटर में बाहर गेट पर पुलिस फोर्स तैनात है, किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। कभी कभार जिला अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के लोग आते भी हैं तो केवल निरीक्षण के नाम पर खाना पूर्ति करके अपने कर्तव्यों की इतिश्री करके चले जाते हैं। यहां की स्थिति ऐसी है कि जैसा मिले वैसा खाओ, जो भी सफाई मिले रहो, पर किसी से कुछ मत कहो। अगर कोई क्वारंटीन किया हुआ व्यक्ति किसी अधिकारी या मीडिया से शिकायत करता है तो उसका उत्पीड़न किया जाता है। यहां सैंपल लेने के एक एक सप्ताह बाद कई बार तो 10-10 दिनों में रिपोर्ट नहीं आ पाती। यहां आए दिन लोग कोरोना पॉजिटिव निकलते हैं, लेकिन इनके बैरक में ही अन्य लोगों को भी अव्यवस्थाओं के बीच रहना पड़ता है, क्योंकि जो लोग पहले के हैं उनकी कोई रिपोर्ट नहीं आई है और यहां बाद वाले पॉजिटिव निकल जाते हैं तो अन्य लोगों को भी रोक लिया जाता है। आखिर इन अव्यवस्थाओं के बीच इन लोगों के साथ इस तरह का अमानवीय व्यवहार कब तक होता रहेगा? प्राइम न्यूज 24 के लिए अलीगंज से विकास दुबे की रिपोर्ट।